एवरीवन, वेलकम टू टाइनी फीड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टाइनी फीड्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आई हूँ, क्योंकि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है अक्टूबर या फिर नवंबर में। तो आपको हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए, यानी कि जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने शायद अपनी लिस्ट प्रिपेयर भी कर ली होगी कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए, बट जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये कुछ चीज़ें आपके बैग में होनी ही होनी चाहिए, ताकि एंड टाइम पर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। एंड टाइम पर जब हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं हॉस्पिटल में, या हॉस्पिटल के नियर बाय जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ सकती है। सिचुएशन से आपको बचने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मेरी वीडियो देखनी है। आपको मेरी वीडियो से वो पूरी जो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए उन सब की लिस्ट आपको मेरी वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि चीज़ें तभी समझ। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव रहे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा जो आपकी फ्रेंड्स या फैमिली में है जिन महिलाओं की डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक अपना हॉस्पिटल बैग रेडी नहीं किया है तो अब वीडियो को देखते देखते आप अपनी लिस्ट में उन सभी चीज़ों को भी ऐड कर लीजिएगा जो मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए बात करते हैं आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपके बैग में होना चाहिए, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपकी जो प्रेगनेंसी में जितने भी स्कैन हुए हैं, जितने भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब आपको लिखी है मेडिसिन, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में करके जरूर रखें, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे कैसे सिचुएशन हो जाए, समटाइम्स क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होते होते वो जो सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, कोई भी मेडिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो डॉक्टर जो डिसीजन लेता है वो आपके रिकॉर्ड के बेसिस पे ले पाएगा कि आपको और वेट कराना है, या फिर आपका जो लेबर पेन समटाइम क्या होता है कि वो लंबा खिंच जाता है, तो ये सारी सिचुएशन जो होता है डिसाइड डॉक्टर करते हैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट को देख के, आपका जो रिकॉर्ड रहा है प्रेगनेंसी में किस तरह की आपको मेडिसिन दी गई है, कैसी आपकी प्रेगनेंसी रही है, तो उस बेसिस पर ही डिसीजन लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स आप जरूर अपने बैग में रखें, ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी डिलीवरी के टाइम पर। जो अभी आप बच्चे के कपड़े रखने वाले हैं, तो अक्टूबर का महीने में इतनी ठंड नहीं है, बट मोस्टली क्या है कि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो सर्दियाँ जल्दी आ गई हैं, तो मौसम सडनली चेंज हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बच्चे के जो कपड़े की लेयर है वो 2 से 3 आपको रखनी है, यानी कि एक टाइम में आपको 2 से 3 लेयर पहनानी पड़ सकती है। अगर मौसम अच्छा हो गया तो 2 लेयर, पर उसी हिसाब से आप 3 से 4 जोड़ी का 2-2 लेयर बना के रखें। उन सभी कपड़ों को वॉश करके रखें डिटॉल के पानी में, और हल्के माइल्ड वॉश करके उनको अच्छे से धूप दिखा के तब अपने बैग में रखें, क्योंकि कपड़ों में क्या होता है जम्स आ जाते हैं, जम्स से आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही साथ आप अपने लिए भी जो कपड़े रखें वो मैक्सी टाइप से रखें, या मतलब बहुत लूज कपड़े रखें, ताकि आपको फीड कराने में प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ ओपन जो फ्रंट ओपन वाले कपड़े हैं वो आप अपने ले लीजिए, ताकि आपको फीड कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में क्या होता है कि फीडिंग के टाइम पर आपको फिर से पूरा कपड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो ये बार बार प्रोसेस होगा, इससे आपको तो ठंड लग ही सकती है। साथ ही साथ जो एक न्यूली मॉम होती है उसको एडवाइस किया जाता है कि पूरी बाजू के कपड़े पहने जाए, सर ढक के रखा जाए, मतलब ज़्यादा हवा बॉडी में नहीं लगनी चाहिए, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी को जल्दी सेट होने में फिर टाइम लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आप जो अपने लिए कपड़े का चुनाव करें तो पूरी बाजू का करें, और साथ ही साथ अपने लिए एक शॉल भी रखें, शॉल आपको सर ढकने के काम आएगा, साथ ही साथ जब आप बच्चे को फीड कराएंगी तो आपको कवर करने के भी वो काम आने वाला है। तो एक शॉल रखें, एक कॉटन का दुपट्टा अपने साथ जरूर रखें, और ये जो है 2 से 3 आप रख सकती हैं, क्योंकि क्या सिचुएशन बन जाए हॉस्पिटल में जाके, हो सकता है कि आपकी डिलीवरी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँ, ताकि आपकी जो डिलीवरी है नॉर्मल होते होते सी सेक्शन में हो जाती है, ऐसे चांसेस हो जाते हैं। तो मैं ऐसा सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि ऐसा हो, बट सिचुएशन देखिए क्या हो जाए, कोई नहीं कह सकता है उस टाइम पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो। तो आपका जो हॉस्पिटल बैग है आप उसको इसी तरह से रेडी रखें कि अगर आपको जो हॉस्पिटल में स्टे 2 से 3 दिन करना पड़ जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जनरली क्या होता है 1 दिन ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बट अगर सी सेक्शन होता है तो वहां 3 से 4 दिन लग जाते हैं रिकवरी होने में, तो उसी तरह से आपका हॉस्पिटल। साथ ही साथ आप देखिए, अगर डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है तो कैश की नीड बहुत कम होती है, तो आप कुछ कैश रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने साथ एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड जरूर रखें, ताकि जरूरत पड़ने
करने पर आप कार्ड का यूज कर पाए। आप अपना कार्ड भी रख सकते हैं, एटीएम कार्ड, और साथ में साथ अपने हस्बैंड का भी जरूर रखें। दो एटीएम कार्ड जरूर रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना सारा कैश कैरी करके रखना मतलब कोई समझदारी की बात नहीं, चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जो साथ में आपके पेरेंट्स रहते हैं और आप खुद रहते हैं, आपका सारा कंसर्न बेबी और माँ में रहता है, क्योंकि जब लेबर होता है तो आपको सामान का ध्यान नहीं होता, तो ऐसे में गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। तो आप कार्ड कैरी करके रखें, कुछ कैश कैरी कर लीजिए। साथ ही साथ आप अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर रखें, हॉट वाटर बॉटल, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो मदर होती है उसको बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं किया जाता कि वो ठंडा या नॉर्मल पानी पिए, आपको गर्म पानी, हल्का गुनगुना वार्म वाटर ही एडवाइज़ किया जाता है पीने के लिए। तो आप अपने साथ बॉटल रखेंगी तो हर टाइम जब जब आपको पानी की नीड होगी आप इजीली पी पाएंगी। साथ ही साथ देखिए, कोविड नहीं गया है तो आप अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क जरूर रखें, और जो साथ आपके जाने वाले हैं वो आप उनको भी एडवाइस करें कि अपने साथ एक सैनिटाइजर और मास्क जरूर रखें। इसके साथ आप अपने लिए एक जोड़ी स्लीपर जरूर लेके रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, यूज जो स्लीपर्स होते हैं, आप वॉशरूम जाएंगी और वहाँ से बैक्टीरिया के साथ साथ आपके बच्चे को भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है, आपकी भी इम्यूनिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक होगी, और बच्चा न्यूली है तो सबसे जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस बच्चे को रहते हैं, तो आपसे इन्फेक्शन लग सकता है। इसके लिए आप क्या करें, आप अपने ही स्लीपर यूज़ करें बाथरूम जब जाती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके बच्चे के लिए नैपीज़ जरूर लेके जाएं। नैपीज़ आप 8 से 10 या 12 से 14 आप अपने बच्चे के लिए नैपीज़ ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है वो बहुत जल्दी जल्दी पॉटी सुसु करता रहता है, तो ऐसे में आपको बार बार चेंज करने की नीड होगी, तो नैपी ज़रूर रखें। साथ ही साथ आप अपने लिए और बच्चे के लिए वेट वाइप्स जरूर लेके जाएं। वेट वाइप से क्या होता है कि अगर बच्चे ने जैसे दूध गिरा दे, उसको पिलाते फीड कराते हैं, तो आप इजीली वॉश कर पाएंगे, और साथ ही साथ अगर बच्चे ने पॉटी या सुसु कर दे तो आप तब भी वेट वाइप आपको बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके बच्चे के लिए स्वेडल्स जरूर लेके जाएं, क्योंकि बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है वो मदर के जो टमी में एक उसको गर्म गर्म गर्माई मिलती है, वो बाहर आने के बाद उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिस वजह से बच्चा चिड़चिड़ा और बच्चा बीमार होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में आप अपने बच्चे को स्वेडल से अगर कवर करके रखेंगे तो उसको जो एक गर्म गर्म गर्माई मिलता है, रैप रहेगा, बच्चे को कैरी करना भी ईजी होता है, साथ बच्चे को एक कंफर्टेबल जोन में रहता है, जैसे बच्चा लिपटा रहता है माँ के पेट में वैसे ही उसको फीलिंग आई रहती है, आप भी इजीली कब उसको कैरी कर पाएंगे बेबी को, क्योंकि आप न्यूली मॉम है तो कैरी करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में एक डर रहता है कि बच्चे को लग ना जाए, ये ना हो जाए, तो बच्चा जब कवर रहता है, रैप रहता है, तो आप भी इजीली उसको होल्ड करने में आपको इजी रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बेबी के लिए जो बेसिक लैंग्वेज होती है, बिछौनियाँ आप रखें, यानी कि ड्राई शीट्स जरूर अपने साथ रखें, अगर बच्चा गीला कर देता है तो इजीली आप चेंज कर पाएंगी, और आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट जरूर रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में जो होता है कभी कभी क्या होता है कंफर्टेबल नहीं होते हैं ओढ़ने के लिए, तो अगर आपका ब्लैंकेट आपके पास होगा तो बहुत आसान रहता है, एक कंफर्टेबल रहता है, आप ऊपर तक अच्छे से ओढ़ सकती हैं, तो ये सब चीज़ें जरूर आपके हॉस्पिटल बैग में होना चाहिए। और बच्चे के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीडिंग बॉटल जरूर रखें, बच्चे के लिए एक मॉइस्चराइजर क्रीम जरूर रखें, लोशन, क्योंकि बच्चा जब पेट से बाहर आता है तो उसकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाती है बाहर की जब हवा लगती है, तो आप बच्चे को अच्छे से अगर मॉइस्चर करके रखेंगे, जब बच्चे का कपड़ा चेंज होता है तो बच्चे क्रीम लगा के रखेंगे तो उसको एक मॉइस्चर नमी उसकी बॉडी में बनी रहेगी, और डिटॉल भी साथ में रखें अगर बच्चे को वाइप किया जा रहा है या नहलाया जा रहा है इनकेस, तो जो वेट पानी होगा उसको गीला करके डिटॉल के पानी में अच्छे से वॉश कर सकेंगे, मतलब जो स्पॉन्जिंग होती है वो डिटॉल के पानी में स्पॉन्जिंग हो पाएगी, तो आप अपने साथ डिटॉल भी रखें, और साथ ही साथ ब्रेस्ट पंप रखेंगी, एक मैनुअल भी आता है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे, अगर बच्चे को आप फीड करा रही हैं तो दूसरे मतलब साथ ही साथ आप उसको पंप भी करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो है सप्लाई जल्दी आने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी आप अपने साथ रख सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। जनरली क्या होता है कि 48 से 72 घंटे के बीच में मदर को जो सप्लाई है वो आनी शुरू होती है, तो ऐसे में क्या होता है उस टाइम पे बच्चे को फॉर्मूला मिल्क पे रखा जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को कम से कम फॉर्मूला मिल्क दिया जाए तो आप ये चीज़ ज़रूर अपने साथ रखें, ये आपको बहुत हेल्प देने वाली है। ये कुछ लिस्ट थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है, और मस्ट हैव चीज़ें हैं जो आपके हॉस्पिटल बैग में होनी ही होनी चाहिए। अगर आप एंड टाइम पे जब आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की शॉप पे खरीदते हैं तो आपको भी पता है वो 1 से 10 गुना रेट आपसे लेते हैं, तो ऐसे में क्यों ही खर्चा करना जब मैं आपको बता रही हूँ कि आपके हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प आई होगी, वीडियो अच्छी रही होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।